एक और एम्प्रेस की तो गलत भी है, एक और एम्प्रेस आंसर का गलत होना कोई डाउट नहीं होता है, वो जे जेस थोड़ी है, वो आपका है बुक्स। तो जो असाइनमेंट मैंने दिया है वो बुक्स का है, तो बुक्स में आंसर गलत होने का हर प्रोबेबिलिटी रहता है। सी दैट इज वाई आई ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रॉन्ग बुक। तो GRB जैसा बुक है उसमें जनरली गलत आंसर मिलने का चांस कम है, क्योंकि वो वेरीफाइड है, वो हम लोग 30-35 साल से उसको पढ़ा रहे हैं। ओके, आई एम टीचिंग सिंस 26 ईयर्स, तो आई हैव ऑलवेज अप्लाइड दैट बुक, तो वी हैव सम फेथ ऑन दैट बुक। अदरवाइज बाकी किसी बुक में आंसर का गारंटी नहीं होता है, बिकॉज यू नो ए लॉट ऑफ डाटा आर चेंजिंग। तो इन टैक्सोनॉमी द थिंग्स आर चेंजिंग मच फास्टर ड्यू टू द एडवेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे आपको मालूम है प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया। बट हमने क्या जाना कि एक्चुअली आर्किबैक्टीरिया प्रिमिटिव नहीं है, बैक्टीरिया प्रिमिटिव है। यस ओके, सो दैट इज व्हाई थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन क्या कहता है, दैट बैक्टीरिया इज प्रिमिटिव, आर्किबैक्टीरिया इज एडवांस्ड। समझ रहे हो? तो यस इसीलिए बहुत सारा चीजें हैं, तो इसीलिए बहुत चीज चेंज करता है। यू डोंट नीड टू बिलीव इन दोज आंसर्स, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक गूगल और यू कैन आस्क मी। ओके, और कुछ पूछिए। सो टुडे एट व्हाट टाइम यू वांट टू गिव टेस्ट? आफ्टर लंच? आफ्टर लंच। ओके, तो बिकॉज आई विल सेट ए टाइमर, आप उसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए आप कितने बजे, 2:30 बजे देना चाहते हो टेस्ट या 3 बजे? हाँ सर 3 o'clock ठीक है। ठीक है, योर टेस्ट विल स्टार्ट एट 3 o'clock, यू विल गेट अ लिंक इन योर स्कूल ग्रुप। ओके, स्कूल ग्रुप में आपको टेस्ट लिंक मिलेगा। ओके, तो उसको आपको करना है, एंड यू विल बी ओनली अलाउड टू गिव वन रिस्पॉन्स। ओके, प्लीज गिव जेन्युइन ईमेल आईडी, ओके, सो दैट यू गेट योर रिजल्ट। मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो लिख दूंगा एबसेंट है करके, बट आपको अगर यू नीड योर रिजल्ट तो प्लीज गिव करेक्ट ईमेल आईडी। सर कोई कितने देर शक? के लिए फॉर्म, क्रिस्टल कितने देर के हाँ, लिए फॉर्म एक्टिव रहेगा? द क्वेश्चन, देर आर 45 क्वेश्चन। जैसा है देखो, आई ऑलवेज प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द गेम। तो ये आपका ऑफिशियल टेस्ट है, इट विल बी एंटरटेन्ड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो जो मार्क्स आएगा वो स्कूल में एंटर होगा, तो इसीलिए आपको 45 क्वेश्चन है, आई विल गिव यू 30 मिनट्स। ओके, अदरवाइज 45 क्वेश्चन अगर हम टेलीग्राम टेस्ट में करते हैं तो 10 मिनट मिलता है। चलिए, ओके, सो लेट अस गो अहेड। कोई शक? चलिए, सो वी विल बी गोइंग इन टू दी टॉपिक। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक्चुअली मैं बना भी रहा था, तो ये सब चीज इन द बैकग्राउंड, आई एम ऑलवेज इन द मेकिंग मोड, यू नो। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज कॉल्ड फाइलम मलस्का। एंड मलस्का जो है, इट हैज बीन क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स सिंस एजेस। ओके, आप जानते हो मलस्का इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज देयर शुड बी नो हिंदू हाउस जहाँ एक शंख ना हो। ओके, तो शंख हम लोग जो पूजा करते समय बजाते हैं, सो दैट शंख इज ऑल्सो व्हाट, मलस। ऐसी दुनिया में कोई लड़की नहीं बनी जिसको अगर आप मोतियों का हार देंगे तो वो खुश नहीं होगी। सो द पर्ल इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई मलस्क, ठीक है? एंड इवन दे आर ऑल्सो यूज एज फूड। बहुत पर्सन्स जैसे जापान, ऑल दी अदर कंट्रीज, इंडिया में तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट अदर कंट्रीज
Mollusks are very good food also. They eat a lot of octopus, squids. India mein snail whale khate hain, hai ki nahi? So they take a lot of snails. Theek achi? So that is why this is a very very close phylum. Phylum which is very very close to human beings. Okay? Chaliye. So isliye that is called Mollusca and नाम कैसे रखा गया मोलुस्का का ऑन द बेसिस ऑफ बट मोलिस तो इसलिए मोलिस से बना मोलुस्का मोलिस मतलब सॉफ्ट बॉडीड ओके सो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स ठीक है जी चलिए सो दिस इज द कंटेंट तो टुडे हु विल रीड फॉर अस एंड एक्सप्लेन लेट अस सी आप लोग टाइमली एंटर किया करो क्योंकि मैं बार बार वो बैक स्क्रीन जाके आपको एडमिट नहीं कर सकता ओके कोई शक तो इसीलिए अगर आप लोग देर से आए होगे बाहर बैठे रहोगे मुझे कोई दुख नहीं होगा अंडरस्टूड सो हु विल रीड टुडे चलो लेट मंजिष्ठा आर यू एबल टू लिसन टू माय स्टेटमेंट्स यस सर So please read it and explain it loud. Yes, sir. Phylum Mollusca. This is the second largest animal phylum. So why it is called second largest animal phylum? Because living species nearly 1 lakh hai, according to Campbell 2021. Chaliye, next. Mollusks are terrestrial or aquatic. Have you seen terrestrial mollusks? आप terrestrial mollusks देखे हो? Yes sir, snails. Snails, yes. Garden snails जो आते हैं, है कि नहीं? And aquatic भी आप अगर देखे होगे, तो one of the most common aquatic snails जो हम लोग lab में भी use करते हैं, that is called what? Phyla. Okay? चलिए. Or aquatic, marine or fresh water, having an organ system level of organization. Yes, sir. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Problem hai yahan. We have a problem. See, actually they are writing it bilaterally symmetrical, but usme yaad rakhna aap ki bahut sare मलस्क्स एसिमेट्रिकल होते हैं लाइक स्नेल्स वो हम लोग अपने वहां लिखेंगे तो सिंस दिस इज एनसीईआरटी पॉइंट आई एम नॉट एडिटिंग एनीथिंग तो प्लीज रिमेंबर दैट मलस्क्स आर आल्सो एसिमेट्रिकल ओके चलिए सिलोमेट विच टाइप ऑफ सिलोम बताइए आइसोसिलोम कॉमा Hemocoelom, comma, eucoelom. Okay, तो इसमें cyzocoelom, hemocoelom, eucoelom. क्योंकि इनके केस में भी hemocoelom मिलेगा, other than what? Cephalopods. तो cephalopod में closed circulatory system होता है, बाकी सब में ये होता है, okay? चलिए next. Annelida में classification नहीं करेंगे हम लोग? अनेडा क्लासिफिकेशन आप लोग का नहीं हुआ है तो इसके बाद कर लेंगे चलो ओके सर हाँ हम लोग कर चुके हैं हाँ बोलो यस सर बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल एंड इज सुनिए एक्चुअली अगेन दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ओके मैं आपको बता दे रहा हूँ ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली इट इज नॉट ए कैल्केरियस शेल वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इट इज ए प्रोटीनेशियस शेल With calcareous depositions. समझ रहे हो तो देखो कितना गड़बड़ होता है ये सब चीज ओके चलिए एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प लिसन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टिंक्ट हेड उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सेफलाइजेशन आपका टेस्ट टफ है बिकॉज वो जेसीआरटी टेस्ट है याद रखना दिस इज नॉट एन एनसीआरटी टेस्ट सो द टेस्ट इज टफ ओके तो इसीलिए यू विल एंजॉय द टेस्ट
वो तो मैं लेने वाला नहीं था, बट सिंस मंजिष्ठा जैसे बच्चे आप लोग के यहाँ हैं तो मैं कर लेता हूँ, और क्या है कि नहीं। चलिए, तो इसीलिए अगर इनका आप बॉडी प्लान देखेंगे, देखिए ये देख रहे हो, सो दिस इज द केस ऑफ ए स्नेल। आप देखो हाउ टू ड्रॉ ए स्नेल, ओके। तो वेरी इजीली देखो, मैं एक कार्टून स्नेल बनाता हूँ, ओके। तो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ ए कार्टून स्नेल। अब ये देखिए, सपोज हम लोग क्या करेंगे, ये माउथ कर देंगे, ये फीट कर देंगे, एंड ये उसका स्टॉक्ड आइज कर देंगे। ऐसे करोगे, फिर ऐसे 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 कर दोगे, ओके। या सपोज इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, जो स्नेल का जो ये है, ओके, उसको ऐसे गोल घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा, ऐसे घुमाओ, एंड इसके ऊपर ऐसे आंख रख दो, फाइन। देख रहे हो, तो डजंट इट अपीयर टू बी सिंपल, बोलो। तो इसीलिए ये जो है, ये आपका क्या है, दिस इज द शेल, एंड उसके बाहर ये क्या है, दिस इज द फीट, दिस इज द हेड, एंड दिस इज द stalked eyes, eyes are on definite stalk, okay। तो ये आपका डायग्राम हो गया किस चीज का, अबाउट ए स्नेल, अंडरस्टूड। तो इसीलिए आप देखो, ये जो है ये उसका क्या है, पेट, एंड ये जो है उसका फुट, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोपॉड्स, ओके। व्हाई डू वी कॉल देम गैस्ट्रोपॉड, because peta is close to pithi, okay। Now how to draw, how to conceptualize this, abhi jo conceptualize isko hum log kya karenge, to ab hum log kya karenge, aap for when you are standing what type of symmetry you have, boliye aap mein kis tarah ka symmetry dekha ja raha hai, bilateral. You are bilaterally symmetrical. अब क्या करूँगा, ये मंजिष्ठा अच्छे से पढ़ नहीं रही है, मुझे पसंद नहीं आया, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको पनिशमेंट दूंगा। तो अब तो इसीलिए इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ओके, यार दिख नहीं रहा मेरे को उसका ये कलर, यार थिकनेस इधर है, तो ना सपोज ये जो है, दिस इज मंजिष्ठा, सी स्टैंडिंग, तो विच टाइप ऑफ सिमेट्री, दिस इज बायलैटरल। अब मैंने मंजिष्ठा को बोला किस योर हील, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये खड़े हैं, आपको ऐसे घूम के आपके हील्स को किस करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो जैसे आप किस योर हील्स करते हैं, हम आपके डब पीठ के पीछे एक बाल्टी ठूस देंगे, तो आप बाल्टी के अंदर क्या है, योर बॉडी है कि नहीं, बाल्टी के बाहर क्या है, हेड एंड फीट। तो अब आप किस तरह से सिमेट्रिकल हो जाओगे, समझ में आ गया, so this is called asymmetry. Now actually why they have given that these animals are bilaterally symmetrical, actually inka larva kya tha, bilaterally symmetrical tha, but in order to fit in the shell wo kya ban gaya, asymmetrical, fine। To isiliye a bilat larva becomes asymmetrical adult, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टॉर्शन, ओके। सो दिस फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज टॉर्शन, समझ रहे हो, तो इसको हम टॉर्शन कहते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, वो शेल लूज कर देते हैं, नहीं चाहिए शेल, तो जब वो शेल को त्याग देते हैं तो वो वापस क्या बन जाते हैं,
bilateral. So that phenomena is called detorsion. Aagaya maza? So this is what you have to understand. Okay? तो इसीलिए अब आप समझ रहे हो कि क्यों बुक में स्नेल को बायलैटरल बोला गया है जबकि एडल्ट तो क्या है बोलिए एडल्ट एसिमेट्रिकल है सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओके द फिनोमिना व्हिच इज कॉल्ड टॉर्शन ठीक है चलिए गुड आगे पढ़िए अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन forms a mantle over the visceral hump. Very, very important point, my dear. तो इसलिए जितना point NCERT में दिया है, इसमें मैं mantle को क्या दूंगा? Point number one. Okay? तो point number one है mantle. Okay? या हम लोग इसको लिख लेते हैं चलो, because mantle आप इसको point number two कर लो. ये है डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर पीट एंड विसरल हम जो उसका जो शेल के अंदर होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे विसरल हम तो ये जो विसरल हम है तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टूड तो ये पॉइंट नंबर वन है एंड मेंटल इज पॉइंट नंबर टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेंटल इट विल सीक्रेट द शेल ये सब चीज नहीं लिखा है इसीलिए एनसीईआरटी इज हाईली अंडरस्टेटेड बुक है कि नहीं उसमें कुछ भी डाटास है नहीं अंडरस्टूड मैं मेंटल क्या करता है भाई मेंटल क्यों पढूं मैं हां क्यों पढूं मैं मेंटल समझ रहे हो तो इसलिए याद रखना मेंटल जो है मैं यहां लिख देता हूं सीक्रेट्स द शेल इसीलिए Who secretes the shell? It is the mantle layer. इसीलिए mantle इनका एक characteristic feature है. चलिए. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills are present. Again, my dear, feather-like gills क्या? वो नहीं बोला गया है, जबकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेनिडियम उसको टेनिडियम बोला जाएगा तो उस केस में हमारा ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अंडरस्टूड सो टेनिडियम जो फेदर लाइक गिल्स है उसको हम क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड टेनिडियम ओके चलिए आगे They have respiratory and excretory functions. Who has? So the tenarium. No, my dear. Mantle cavity. Okay. So जो mantle cavity है, उसमें tenarium है, तो वो respiration में मदद करता है, and जो mantle cavity है, वो excretion में भी मदद करता है. चलिए. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. Very important. So, it's a radula is our point number four. So, radula is a rasping organ. Rasping organ का मतलब क्या मालूम है? आप घर में scraper रखते हो कि नहीं? जैसे हम लोग cheese grate करेंगे, तो आप एक grater रखते हो? तो मम्मी लेके क्या करती है चीज को लेके उसमें घिसती है तो आपका ग्रेटेड चीज नीचे से निकलता है ओके तो वो जो है उस जैसा दिखता है कौन आपका रेडियुला सो दैट इज व्हाई व्हाट द मलस्क डू वो जो रेडियुला को लेकर खाने पे नोचते हैं आप क्या कर रहे हो पनीर को लेके रेडियुला में नोच रहे हो वो क्या करता है वो रेडुला को लेकर पनीर में नोचेगा अंडरस्टैंड सो दैट इज ए टीथ लाइक स्ट्रक्चर चलिए और बोले रूह अफ़ज़ा हाँ बोलिए यस सर दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओके ठीक है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है तो बोलना चाहिए ना
इसमें लार्वा बोलना चाहिए, तो इसमें कौन कौन से लार्वा होंगे? ट्रोकोफोर कॉमा वेलिजर कॉमा ग्लोसीडियम, तीन तरह का लार्वा होता है. ओके लार्वा फाइन, तो दे हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा. अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, उसमें जो वेलिजर लार्वा है ये कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है, ग्लोसीडियम लार्वा है ये कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है. ना कौन सा लार्वा बताता है कि उनका एनेलिडियन रिलेशनशिप है, बताइए? ट्रोकोफोर. तो ट्रोकोफोर जो है वो एनेलिडा में भी मिलता है. अंडरस्टूड? इसीलिए ट्रोकोफोर सजेस्ट्स एनेलिडियन एंसेस्ट्री, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एनेलिडियन क्या एंसेस्ट्री. अंडरस्टूड? इसलिए ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एनेलिडियन एंसेस्ट्री सजेस्ट करता है. ओके चलिए गुड एग्जांपल्स पढ़िए. एग्जांपल्स पिल्ला पाइला पिल्ला नहीं लो, सॉरी तुम थोड़ा इंग्लिश ज्यादा पढ़ते है इसलिए इसको पिल्ला नहीं बोलो, इसको पाइला बोलो. हाँ पिल्ला तो तुम है. यस पाइला एप्पल स्नेल पिंक टारा पर्ल ऑयस्टर. यस ये पर्ल ऑयस्टर है, इंडियन पर्ल ऑयस्टर. एक्चुअली दिस इज नॉट पर्ल ऑयस्टर ओनली, ये इंडियन पर्ल ऑयस्टर है जो कि इंडिया में मिलता है एंड यही बनाता है क्या आपका पर्ल, जिसको आप पहनना पसंद करते हैं. यस आगे सेपिया कटल फिश लॉलीगो स्क्विड. यस ऑक्टोपस डेविल फिश. यस एप्लीसिया सी हेयर. यस डेंटालियम टस्क शेल. यस ये हाथी के दांत जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम पड़ गया टस्क शेल. एंड केटोप्लूरा काइटन. ये देख रहे हो दिस इज अ काइटन, मैंने आपको फोटो दिखाया हुआ है, ये काइटन है, ये आपका स्नेल्स है, ये आपका स्लग है. यू नो दुनिया में जो फास्ट के नाम है, ऑल द फास्टेस्ट एडजेक्टिव हैव बीन एसोसिएटेड विथ मलस्का, जैसे मंजिष्ठा बेबी. यस सर. प्रिपरेशन फॉर नीट is going in snail space. Your preparation for NEET is going in snail space. Explain. That my preparation is going very slow. देख रहे हो it is so fast. तो इसलिए मलस्का और स्पीड का जिंदगी भर का रिश्ता है. You sluggish fool. What does this mean? Foolish. You slack. क्या है उसका मतलब? So lazy, slow. Yes, very very slow. ये जो slug देख रहे हो ना ये slug है. Actually slug is just like a snail, but it has no shell. Okay? तो ये जो slug है ये बहुत फास्ट चलता है, 2 millimeter इन वन डे, समझ रहे हो? तो आपको ये चलता हुआ दिखेगा ना, एक ही जगह पर दिखेगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए दैट इज, अब देख रहे हो, तो स्लगिश का मतलब क्या है? स्लग लाइक. अब समझ में आया व्हाई हाउ दे मेड द वर्ड स्लगिश, बिकॉज यू आर लाइक ए स्लग. You are very very slow and snail pace matlab very slow, understand? Chaliye, so this is the concept. Ye octopus hai, this is a devil's fish. To isliye question aayega which of the following is not a fish, to aap kya bologe? Devil fish and ye hai cuttlefish.
ये नहीं है, ये तो स्क्विड है एक्चुअली, एक और इस जैसा एनिमल होता है, दैट इज कॉल्ड कटल फिश, आई विल शो यू. चलो थैंक यू मंजिस्टा फॉर योर इमेंस कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन. एंड नाउ हु विल रीड दिस नेक्स्ट पैराग्राफ? हर्षिता रूटरे, आर यू देयर? हर्षिता? यस सर. हाँ तो यस सर कहाँ, किधर पकड़ खाने चले गए? नो सर. चलिए जल्दी पढ़िए. दिस इज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी. ओके, ये जो एनसीईआरटी मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो. सर कौन से ईयर का? ये बिफोर 2006. एक्चुअली दैट वाज द एनसीईआरटी व्हिच वाज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी. ओके, तो इसीलिए ये काफी अच्छा बुक है. एंड इसका एक ही जगह मिलेगा लाइब्रेरी, कहाँ बताओ? लेट्स सी व्हिच लाइब्रेरी यू विल गेट इट. द योर लाइब्रेरी, ओनली जेजेस लाइब्रेरी. सो दैट इज व्हाई आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज हाई है कि नहीं. चलिए पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए. यस सर. Mollusca is the second largest animal. आपका माइक स्लो है या मेरा सुनाई कम दे रहा है मेरे को? उसका माइक स्लो है. माइक स्लो है. पढ़ाओ, ये रिकॉर्डिंग होता है. हाँ. Sir, now am I audible? Yes. Yes, sir. Mollusca is the second largest animal phylum, which includes over living species 1 lakh, according to Campbell 2021. Mollusks form an ancient group. They have lived over 500 million years. They are triple class. 500 million years. ये हैं अभी तक. Okay? Yes. They are triploblastic coelomates and usually with bilateral symmetry. Yeah, देख रहे हो? They are using a term usually, but new NCERT has eaten that term. चलिए. They are terrestrial, marine and freshwater inhabitants. The body of mollusks is soft but protected by hard calcareous shell. Calcareous shell. So, ye aap bol sakte ho, but actually I have a opposition on this calcareous shell. Actually, this is not a calcareous shell. Okay. Isme sirf deposition hota hai calcareous. Wo main aage jo mera wala content hai, main likh dunga. See, these are NCERT. I don't want to edit it, okay? The body is unsegmented and divided into a head, a ventral soft and muscular foot, and a dorsal visceral hump. Yes, a very important point. I'm already marked kar chuke hain. Yes. The skin is soft and over the hump, it forms a mantle. The visceral hump contains the main digestive and circulatory organs. Dekh rahe ho, ye udhar nahi likha tha in the new NCERT. वो विसरल हम्प क्या है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है. नॉट ओनली सर्कुलेटरी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर देयर. हां चलो. आउटसाइड द बॉडी एंड बिलो द मेंटल इट हैज अ नंबर ऑफ फेदर लाइक गिल्स. तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसका नाम क्या है? दैट इज आल्सो नोन एज टेनिडियम. टेनिडियम या टेनिडियल गिल्स. ओके, उस स्ट्रक्चर को टेनिडियम बोलेंगे. उसका एडवर्ब फॉर्म क्या है? टेनिडियल. ओके, यस. गिल्स हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. ओके, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स. द माउथ यस, द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला. ओके, मॉलस्क्स आर बेसिकली ओविपैरस and development is through a trochophore or veliger larva. देख रहे हो, इन्होंने लिखा था trochophore veliger larva, new NCERT काट दिया, है कि नहीं? But in order to make things easier, actually what they are doing, they are deleting content. But भाई अगर आप डिलीट कर दोगे content, तो हम पढ़ेंगे क्या and समझेंगे क्या? That they are not understanding. Otherwise आप देख रहे हो कि नहीं? Most of the points are there in the NCERT lecture also. हाँ बोलो. Example, Pila, apple snail, Acantina, land snail, Acatina, land snail,
लैमेलिडेंस मसल्स पिंटा मसल नहीं नहीं मसल 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 के रख दूंगा तेरे को मैं मसल ये देखो ये का क्या आ जाएगा ऑड वन आउट तो इज इट मस्कुलर का मसल बोलिए क्या ये मस्कुलर वाला मसल है नहीं सर नहीं सर। तो देख रहे हो तो इसलिए ये स्पेलिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको ऑड वन आउट में डाल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मलस्क करके मैं क्या लिख दूंगा एम यू एस सी एल ई मसल तो अगर आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो आप नन ऑफ दिस मार दोगे बट एक्चुअली आंसर मसल होगा क्योंकि वो एम यू एस एस ई एल वाला मसल है ओके चलिए नेक्स्ट पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर सेपिया कटलफिश लॉलीगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविलफिश डोरिस सी लेमन एप्लीसिया सी हेयर एंड टेरिडो शिपवॉर्म सुनिए ये जो डोरिस एंड एप्लीसिया है ये दोनों में डी टॉर्शन होता है ओके मीन्स बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर शेल अंडरस्टूड सो दे आर बैक टू बायलैटरल चलिए सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी सो आई हैव शोन यू दिस थिंग्स एंड नाउ वी विल गो टू अहेड आवर नेक्स्ट कंटेंट दैट इज आवर लेक्चर साइड विल गो चलिए थैंक यू Harshita for your English lecture. So now we will go to what? The phylum Mollusca or the second largest phylum. So as I told you that these animals are very close to humans. Mane, sorry! सौरदीप यस सर तुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना दूंगा मैं याद रख तुझे कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाऊंगा एक्सप्लेन मतलब कि पैसे पैसे के लिए तरसाऊंगा तो इसका मतलब कौड़ी कभी ना कभी करेंसी में यूज हुआ था या नहीं यस सर बोलो समझ रहे हो इसीलिए सम टाइम जब करेंसी के तरह लोगों ने इन कौड़ी यू नो और नॉट बिना कौड़ी के शादी नहीं होगा बेटा तो दैट इज कॉल्ड कौड़ी खेड़ा ओके कौड़ी सी ओ डब्ल्यू आर आई उसका कॉमन नेम है पेरिविंकल इसीलिए सम टाइम मलस्क्स वेर यूज्ड फॉर व्हाट एज करेंसी आल्सो तो इसलिए शंख की तरह यूज होता है ऑर्नामेंट्स की तरह यूज होता है करेंसी के तरह यूज हुआ फूड की तरह यूज हुआ बिना कौड़ी का हिंदू शादी हो नहीं सकता ओके इसलिए शादी में यूज हुआ प्लस बहुत लोग इसको डेकोरेशन में भी यूज करते हैं जैसे आप देखोगे इस जो जो व्हेन यू गो टू सी कोस्ट आपको स्नेल्स के बने हुए की रिंग मिलते हैं कर्टन्स मिलते हैं है कि नहीं एंड इवन एक ब्यूटीफुल स्टोन है दैट इज कॉल्ड आर्गोनाइट एंड दैट स्टोन इज एक्चुअली फॉसिल व्हाट फॉसिल सेफलोपॉड हम डिस्कस करेंगे ओके चलिए तो मलस्क्स आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट ऑफ आर द सेकेंड लिख लेते हम लोग second most abundant of all animals in number of species it is second largest phylum after arthropoda theek hai ji so around 1 lakh living and more than either more than likh denge so more than 35,000 fossil species exist okay out of them 3/4 of the mollusks are what gastropods so gastropod matlab kya snails and slugs so what are gastropods snails and slugs so ye aapka sabse zyada kya number ka aapka mollusks hai now
ओके विथ अबाउट 1700 जेनेरा. ये भी ये वैरी होगा, अभी ये ज्यादा हो गया होगा, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा. ओके तो आई विल क्रॉस चेक दिस डाटा बिकॉज दीज आर ओल्ड कंटेंट, तो इसमें आपका वेरिएशन आया होगा. चलिए तो मोस्ट ऑफ देम आर स्लो मूविंग एंड कन्फाइंड टू अदर स्पेशल हैबिटेट्स. ठीक है, नाउ डेफिनेशन क्या है इनका, ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैट एना विथ एनस सिलोम एंड विदाउट सेगमेंटेशन. दे यूजुअली हैव अ शेल एंड अ कैरेक्टरिस्टिक वेंट्रल मस्कुलर फोल्ड. ठीक है, द टर्म मलस्का वॉज फर्स्ट अप्लाइड बाई एरिस्टॉटल टू कटल फिश. तो कटल फिश को एरिस्टॉटल ने मलस्का कहा था. अंडरस्टूड, सो दिस इज द कंसेप्ट. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं दैट लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है बताइए. आर्कियूटीस. ओके, या दिस इज कॉल्ड जायंट अटलांटिक स्क्विड. ओके, जो जायंट अटलांटिक स्क्विड है वो सबसे लार्जेस्ट क्या है बोलिए, इट इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट. तो दुनिया में सबसे बड़ा जो इनवर्टिब्रेट है वो आर्किटिथियन स्क्विड्स हैं. ओके, तो दिस इज जायंट अटलांटिक स्क्विड. उसी तरह लार्जेस्ट आई इन किंगडम एनिमेलिया किसका है, बिलोंग्स टू जायंट ऑक्टोपस. तो उसका आंख एक फुटबॉल जैसा होता है. ओके, तो किंगडम एनिमेलिया बिलोंग्स टू जायंट ऑक्टोपस. अंडरस्टूड. उसके बाद लार्जेस्ट नर्व किसके हैं, बिलोंग टू सेम आर्किट्यूथिस. ओके, व्हाट इज आर्किट्यूथिस, जायंट अटलांटिक. ओके, तो इसलिए ये सब जो लार्जेस्ट हैं ये आपका इधर आएगा. तो लार्जेस्ट आई इधर आ गया, लार्जेस्ट नर्व इधर आ गया. इसका जो नर्व्स है मोटे मोटे रस्सियों जैसा होता है एंड इसीलिए आपका वी कैन राइट फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स जेंस को. ओके, डिस्कवर्ड क्या बोलिए, जेंस को ने क्या डिस्कवर किया था. ओके, जेंस को डिस्कवर्ड ATPase एंजाइम, या उसको हम लोग ये लिख सकते हैं सोडियम. ओके, सोडियम पोटेशियम. ओके, सोडियम पोटेशियम ATPase, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, तो ये आपका एक, ये आप पढ़ोगे जब सेल में पढ़ोगे तो इन्हीं में से आपका डिस्कवर किया था सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सम स्पेशल पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दीज कैटेगरीज. अब हम लोग इसका जनरल फीचर्स पे चले जाएंगे. यस, कुछ पूछना है इस बारे में पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चले जाएंगे आज. ओके, इज देयर एनीथिंग यू हैव टू आस्क, तो आप साथ साथ पूछते पूछते चलो, है कि नहीं. yes. क्या बोल रहे हो, एनीथिंग टू आस्क. चलिए, सो हाँ बोलो बोलो. नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. क्योंकि भाई जो भी चीज हमको मिलेगा वो एनिमल प्लांट में से ही मिलेगा ना, वो कोई नया इस दुनिया में कहीं आसमान से थोड़ी आएगा. सो इसीलिए
we will get all these things from what? From these animals only. So that is what you have to understand. Okay? चलिए so इसीलिए हाँ अभी अराउंड 70,000 फॉसिल स्पीशीज मिल चुका है. ओके दैट इज व्हाट आई वाज कंफर्मिंग एक्चुअली. सो विल गो बैक. ये कौन अभी तक अंदर नहीं आया? अस्मिता साहू. चलिए सो लेट अस रीशेयर. Content here. Mila, is it visible to you? Visible? Yes, sir. Yes, sir. So, this is the case. तो इसीलिए अब हम लोग discuss करेंगे habits and habitat. तो ये आप जानते हो that ये animals आपको almost हर जगह मिलते हैं, terrestrial as well as aquatic. Now, body plan पहले लिख लेते हैं हम लोग. तो बॉडी प्लान क्या था इन लोग का? बॉडी प्लान इज व्हाट? ट्यूब विद इन ए ट्यूब कॉमा अभी तक क्या चल रहा है? प्रोटोस्टोमस. ओके तो बॉडी प्लान आपका ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्रोटोस्टोमस है. तो अगर बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ए ट्यूब है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद क्या आ जाएगा? सो वो आप जानते हो इधर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा. ओके मतलब सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. और क्या स्ट्रक्चर किस तरह का है? ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट अनसेगमेंटेड. नाउ प्लीज रिमेम्बर अनसेगमेंटेड तो है बट एक्सेप्ट इन मोनोप्लैकोफोरा कॉमा विच शोज इंटरनल सेगमेंटेशन. ओके सो दे आर रेफर्ड टू एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मलस्का. ओके उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है नियोपिलिना गैलाथी. ओके तो एक्चुअली ये अनसेगमेंटेड जरूर हैं बट एक उनका कैटेगरी है जहां सेगमेंटेशन देखा गया है. किसमें? सो दैट इज कॉल्ड मोनोप्लैकोफोरा. उस ऑर्डर का नाम है मोनोप्लैकोफोरा. एग्जाम्पल का नाम है नियोपिलिना. ओके तो इसीलिए इनमें क्या देखा गया है? वी हैव सीन व्हाट? वी हैव सीन द इंटरनल सेगमेंटेशन. इसलिए उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मलस्का बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया है. बायलैटरली सिमेट्रिकल ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं इन एडल्ट्स. ओके इन सम एडल्ट्स द क्या? इन सम एडल्ट्स द बॉडी इज फिट इनटू ए स्पाइरली कॉइल्ड शेल. ओके तो इन सम एडल्ट्स द बॉडी इज फिट इनटू ए स्पाइरली कॉइल्ड शेल. अंडरस्टैंड? स्पाइरली कॉइल्ड शेल सो दे बिकम व्हाट? ए सिमेट्रिकल. ओके एग्जांपल इज स्नेल. Okay, snails, full stop. This phenomena in which a bilaterally symmetrical adult, larva, becomes
an asymmetrical adult is referred to as torsion. ठीक है, this is referred to as torsion. Fine, तो ये torsion के बारे में हमने बात कर लिया. अब color change कर देंगे. In Doris, Aplysia, Aplysia, etc. क्या होता है? The okay, the adults lose their shell later and again become क्या bilateral. Okay, this phenomena is referred to as क्या detorsion. Understood? तो देख रहे हो, तो कितना सारा points JJS has to add. चलिए, कोई शक तो इसलिए bilateral जरूर है, but बहुत सारा story हमने लिख लिया. ठीक है, इसको हम थोड़ा color change कर देते हैं. Now, body is divisible into head, mantle, foot and visceral mass. Okay, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख लेंगे. अब क्या, head, mantle, foot and visceral mass. Now, shell, when present, usually univalve. Univalve मतलब क्या है? Single. और bivalve. ठीक है, univalve और bivalve constituting an exoskeleton. तो ये exoskeleton है. Internal in some. किसमें internal होता है बताइए? In squids. The shell is internal and it is often referred, okay, it is often referred to as sea foam. समझ रहे हो? अगर आप समुद्र जाओगे ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आम के टंकुआ जैसा आपको कैल्शियम का हड्डी मिलेगा. तो वो क्या है? वो स्किड का इंटरनल स्केलेटन है. जो लोग बर्ड्स घर में रखते हैं वो उनको, अगर आप जाओगे और दुकान वाले को बोलोगे तोता के लिए आप कैल्शियम दो, तो वो सी फोम पकड़ा देगा. ओके, सो दिस इज सी फोम. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. वो एक्चुअली वो जियो फाइबर कट जाते हैं. पैसा लेते हैं जियो वाले. अंबानी अडानी हम लोग का पैसा लेके अरबपति बन गए और हम ही लोग का खून चूस रहे हैं. क्या करेंगे, मोदी जी की जय है और क्या है. अब जब मोदी हैं तो उनका कोई कुछ कर नहीं सकता. चलिए, हो गया. सो बॉडी सिलोम, तो बॉडी सिलोम किस जैसा है? तो बॉडी सिलोम, सिलोम इज रिड्यूस्ड एंड रिप्रेजेंटेड मेनली इन पेरिकार्डियल कैविटी, गोनाडियल कैविटी एंड किडनी. नाउ फुल स्टॉप. इट इज क्या साइजो सिलोम, हीमो सिलोम एंड यू सिलोम. ठीक है, तो साइजोसिलोम आप जानते हो इसका रीजन क्या है. इसका एक्चुअली पहले हीमोसिलोम लिखना चाहिए,
hemocoelom, comma, cyzocoelom and eucoelom. Why do we call like that? You know, understand. क्योंकि इनका ब्लड जो है वो सीलोम में आ जाता है. ओके, ब्लड एंटर्स इनटू सीलोम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हीमोसीलोम. सर तो फिर इसलिए सेफालोपोडा में हीमोसीलोम नहीं लिखेंगे. यस, यू विल नॉट राइट हीमोसीलोम इन सेफालोपोडा. चलो तुमने के निकाल दिया तो लिख देते हैं इन सेफालोपोडा. ओके, circulation is closed, so kya, no hemocoelom. Okay, so this you have to say. Ab dekho ye sab NCERT padhne se samajh mein aata hai aapko? Bataiye Paul. Yes. Dada. Tahale kaise hoga? Chaliye. नाउ अब आ जाइए हमारा अंदर आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. तो भाई अगर इसमें तो दे आर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, तो भाई सिस्टम तो मिलेगा, तो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड और लिवर. ओके, ए रेस्पिंग ऑर्गन द रेड्यूला, इसको ए नहीं लिखेंगे, ए कैरेक्टरिस्टिक, माने ये और कहीं नहीं मिलेगा. A characteristic rasping organ known as radula usually present. These radula have many rows of 70. Okay, तो उसमें many rows of 70 थे, तो सात सात दांत वाले बहुत सारे rows हैं. Clear? So this is what concept. Now, they are attached to an odontophore. Odontos matlab dant. Okay? Odontos matlab teeth plus perine matlab four. Okay? फोर का मतलब है होल्डिंग. ये आपका दांत को पकड़ने वाला स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं, ओडोंटो. जैसे आपका जो कोरोना में एक हैंडल होता है कि नहीं, तो हैंडल है उसको लेके आप नोचते हो वैसे. तो सर्कुलेशन के पहले रेस्पिरेशन कर देंगे, बिफोर सर्कुलेशन वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है, सो रेस्पिरेशन, सो डायरेक्ट और बाय गिल्स और लंग्स. तो गिल्स इसको क्या कहते हैं, टेनिडियल गिल्स. डायरेक्ट और बाय कैरेक्टरिस्टिक, जहां भी कैरेक्टरिस्टिक लगा उसका मतलब क्या है, ये सिर्फ उसमें मिलता है. ओके, टेनिडियल गिल्स और लंग्स. तो टेनिडियल गिल्स किस में मिलेगा, एक्वाटिक फॉर्म्स. ओके, और लंग्स या उसको हम लोग पल्मोनरी सैक कहते हैं, किसमें बोलिए, किसमें मिलेगा आपको ये, यस इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म. और बोथ किस में मिलेगा, जो दोनों जगह रहते हैं. ओके, यस, बिकॉज देयर आर सम एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, तो मेनली क्लोज्ड टाइप. ओके, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इट इज जनरली ऑफ ओपन टाइप, नॉट क्लोज, generally of open type. Okay, and emptying into sinuses. ठीक है, heart with one or two auricles and one ventricle. Okay, तो उसमें heart भी मिलेगा and blood. ये किसी ने अभी तक point नहीं बताया,
blood is blue in color. Okay, so blood is blue in color due to cupric iron containing hemocyanin pigments. समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका ब्लड ये कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट किसी ने नहीं बताया. तो नीला खून किस में मिलता है? इन मोलस्क्स. तो इसको हम नीला ही कर देते हैं. Why to write like this? You will make it nila. We will make copper sulfate blue hota hai actually. So this is blue in color due to cupric iron containing kya? Yani containing hemocyanin pigments. Okay? Chaliye, full stop. Other pigments like pinaglobin is found in pina. Pina एक मलस्का है तो इसलिए पीना में क्या मिलेगा? पिनाग्लोबिन. ओके, इसलिए ऐसे बहुत सारे यूनिक आपको पिगमेंट्स मिलेंगे. ओके, पिनाग्लोबिन. ओके, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ब्लू ब्लड है. ये किसी ने नहीं लिखा. तो एक्सक्रीशन जो है बाय पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनीज. ओके, पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनीज. नाउ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस. ठीक है, तो केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस. तो ये जो केबर्स ऑर्गन है इसको पेरिकार्डियल ऑर्गन भी कहते हैं या हार्ट के चारों ओर ये होता है. क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाइए नर्वस सिस्टम. फाइन. सो क्या इसका माउस गड़बड़ कर देता है. सो जो नर्वस सिस्टम है आपका इट इज मेड अप ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टिव्स एंड नर्व्स. ठीक है, तो दिस इज द केस. गैंग्लिया यूजुअली फॉर्म ए सर्कम एंटेरिक रिंग. ओके, तो लाइक दैट सर्कम एंटेरिक. इसको छोड़ो, इसका इतना डिटेल देना की जरूरत नहीं है. चलिए, तो नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया होता है. सेंस ऑर्गन्स इसमें बहुत सारे होंगे. तो सेंस ऑर्गन्स में इंक्लूड्स आईज. ओके, आईज. स्टैटोसिस्ट क्या करेगा? बैलेंस. ओके, टच स्मेल टेस्ट. तो ये सब आपका होगा. एंड आपको मालूम है दैट दीज आईज ये है एनालोगस टू वर्टिब्रेज आईज. एनालोगस टू वर्टिब्रेट आईज बट नॉट होमोलोगस. मतलब क्या है? इनका ओरिजिन सेम नहीं है बट फंक्शन सेम है. ओके, नाउ सेक्स जो है वो डायोसियस भी हो सकता है, मोनोसियस भी है. अकेला डायोसियस नहीं होता है. तो दिस इज डायोसियस एज वेल एज मोनोसियस. ठीक है, फाइन. डायोसियस एज वेल एज मोनोसियस. ना एक्चुअली क्या होता है इन केस ऑफ दीज एनिमल्स, आप देखेंगे इनमें दो तरह का स्पर्म्स होता है. ओके, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स रिपोर्टेड. एक को हम कहते हैं ओलिगोपाइरिन एंड एक को कहते हैं यूपाइरिन. ओलिगोपाइरिन का मतलब क्या होता है? वो फंक्शनलेस स्पर्म होता है. हाँ, वो मोटाइल नहीं होता है एंड उसका काम अलग होता है. इट इज ऑफ नो यूज. बट फंक्शनल स्पर्म जो है उसको हम क्या कहते हैं?
So that is called eupyrene. E-U-P-Y-R-E-N-E. Understand? चलिए तो हमारा ये हो गया. और क्या लिखेंगे इसमें? एक लिख देते हैं हमारा. सो इधर जो इधर हमने लिखा ना कि नहीं बट हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. अरे आज नेट क्यों इतना कट रहा है? चलिए. सो इसलिए हम लोग जो लिखे थे ऑर्गन्स ऑफ केबर्स ऑर्गन, इसके चारों ओर हम लोग लिख लेते हैं पेरिकार्डियल ऑर्गन, मतलब ये हार्ट के चारों ओर होता है. ओके. उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे थे? सेक्स डैशेस एक्सटीरियर. उसमें अब आ जाइए मेल प्रोड्यूसेस ओके. तो मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पर्म्स इन किसमें? इन पाइला. एक्चुअली तो ये हर एक में है कि नहीं मालूम नहीं है, बट पाइला में जरूर है. तो ओलिगो पाइरिन या नॉन इमोटाइल नॉन फंक्शनल ओके एंड पाइरिन, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एंड मोटाइल. ओके. तो ये पॉइंट हम ऐड कर देंगे. दिस इज ओलिगो पाइरिन. ठीक है, ओलिगो पाइरिन एंड यू पाइरिन. ओके. एंड ये पाइला के स्पर्म्स, नॉट ऑल. ओके. तो दिस इज ओनली रेफर्ड टू इन पाइला. चलिए तो इसलिए ये है हमारा कंसेप्ट. एंड जो आपका जो लार्वा, हम जानते हैं कि तीन तरह का लार्वा होता है कि नहीं? तो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा रिपोर्टेड. ओके. डेवलपमेंट is indirect with characteristic larvae. Okay, तो characteristic larvae मतलब हर phylum में उसका fixed larva होगा. But कौन कौन से type के हम लिख लेते हैं? तो either they will be trochophore, comma veliger or Glossidium. Full stop. तो ये जो Glossidium larva है, Glossidium larva is ectoparasitic. Okay, on fish gills. ठीक है, तो जो Glossidium larva है वो ectoparasitic on फिश गिल्स है. ठीक है, मतलब ये पैरासाइट की तरह जिंदगी काटता है, नॉट नॉर्मल. ओके. कोई शक? चलिए तो ये हम लोगों ने कुछ स्टोरीज लिख दिया उसके बारे में. अब हम लोग चलते हैं उसका क्लासिफिकेशन. ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन मैं आपको टेबल फॉर्म में कर देता हूँ ऑलवेज, तो उससे क्या होता है, उससे आपका समझ में आना आसान होगा। तो अब इसमें हम एक तो फोटो डालेंगे, लेट अस हैव वन फोटोग्राफ। तो एक तो फोटो मैंने आपको दिखा दिया, ओके अब थोड़ा उसको एलैबोरेट करेंगे फोटोज, ठीक है, जस्ट गिव मी वन मिनट। यस जो कनेक्टिंग लिंक का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कनेक्टिंग लिंक का मतलब है दे विल कनेक्ट टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करेंगे, फाइन। सो यह लिखा था हम लोगों ने, इस पॉइंट को यहाँ से कट, इसको एंटर, इधर हम उसको ऐसे लिख देंगे, ओके। ओके सो ये हमारा हो गया, इस पॉइंट्स को हम अगले पेज में ले जाएंगे, ओके। सो विल इंसर्ट अ न्यू पेज, दिस इज क्लासिफिकेशन, ऐसे जनरल फीचर्स लिख लेते हैं, जनरल फीचर्स। जैस्मिन आई है क्या आज क्लास में, देखो तो, क्योंकि ये लड़की सेक्शन चेंज की है बट आती नहीं है क्लास, ये दूसरा क्लास करती है कि नहीं? नहीं सर। हैव यू सीन? नहीं सर, इस क्लास में नहीं सर। वो स्कूल वाले उसको पाल रहे हैं, मैंने ऐसे इनडिसिप्लिन बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, बाद में वो रिजल्ट खराब करेंगे। बस ये लोग क्या है ना, ये लोग जो कालू वालू क्लास जाते हैं ना, ये लोग सिर्फ डमी एडमिशन ले लिए होंगे, क्योंकि वो उधर भी प्राइम 40 में भी कभी क्लास नहीं की है एंड इधर भी क्लास नहीं कर रही है। सच सच चिल्ड्रन शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। वैसे चलिए, क्योंकि वो एक बीच में नोटिस आया था ना कि वो इस सेक्शन में ज्वाइन की है, तो आई वांटेड टू सी कि वो आ रही है कि नहीं। अरे इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बोला ना, इसको हम अगले पेज में डालते हैं। एक्चुअली शेल के बारे में हमने लिखा नहीं ना, हाँ ये फोटो, ये देख रहे हो गैस्ट्रोपॉड्स आ गया, तो ये आपके अलग अलग स्नेल्स हैं, देख रहे हो, तो दिस इज द स्लग, देख रहे हो, ये आपका एक स्लग है या लिम्पेट इसको कहेंगे, ये स्लग नहीं एक्चुअली एक लिम्पेट है, ये जो है स्नेल है देख रहे हो, एंड दिस इज द स्लग, फाइन, ये है रेड्यूला, देख रहे हो, तो दिस इज द रेड्यूला एंड ये आपका जनरल बॉडी प्लान, फाइन, आप देख रहे हो इसमें बॉडी प्लान, तो इसीलिए ये देखो ये उसका जो विसेरा है, दिस इज द विसरल हम, ये हेड है, ये उसका टेंटेकल्स है, उसके ऊपर स्टॉक्ड आईज होगा, ओके, एंड ये देखो, सो दिस इज द फुट, ओके, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं घर जाके, ओके, तो ये हम लोग लिख लेंगे ऊपर क्या, गैस्ट्रोपोडा, फाइन, तो ये गैस्ट्रोपोडा हमने बना लिया। उसके बाद हम लोग ये जो जनरल है एंड इधर क्लासिफिकेशन, एक्चुअली गैस्ट्रोपोड को इधर ले आते हैं क्लासिफिकेशन के बाद, तो अब और एक फोटोग्राफ डालेंगे। सो इसका फोटो डालेंगे अभी काइटॉन, ये है काइटॉन, देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड काइटॉन,
तो काइटन का कॉमन नेम क्या है? तो इसका एक्चुअली दे आर कॉल्ड एक्चुअली पॉली प्लैकोफोरा। एंड एक और भी फोटो डाल देंगे इसमें, ये आपका आ गया क्या? सो दिस इज योर बाइवेल्विया, देख रहे हो, ये आपका बाइवेल्व्स है, सामुका सामुका, उड़िया में वी कॉल इट सामुका, इन हिंदी वी कॉल इट व्हाट, सिपिया, फाइन। सो दिस इज योर बाइवेल्विया, बाइवेल्विया, क्लियर। उसी तरह एक और एग्जांपल डाल देंगे, कौन सा आप? सेफलोपोडा डाल देंगे, है कि नहीं? दिस इज ये एक और ये बाइवाल्विया का थोड़ा इंटरनल डिटेल्स है, देख रहे हो, ये उसका अंदर का स्टोरी है, मीन्स व्हाट आर द थिंग्स यू विल फाइंड इनसाइड ए बाइवाल्व, क्लियर। देख रहे हो उसका फुट है, तो एक्चुअली बाइवाल्व में क्या होता है, उसका दो दो फीट बने ढक्कन होगा, ओके, एंड दिस इज द केस। उसके साथ हम डाल देंगे एक क्या, सेफलोपोडा, ये देखिए ये आ गया कौन आपका, ऑक्टोपस, फाइन। तो ये देख रहे हो, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑक्टोपस, देख रहे हो, एंड ये एक क्या है, सो दिस इज ए कटल फिश, फाइन। कटल फिश में क्या होता है, उसके 10 टेंटेकल्स होंगे सारे सेम साइज के, बट स्क्विड में क्या होगा, 8 छोटे होंगे 2 बड़े होंगे, दिस इज नॉटिलस, ओके। नॉटिलस का जो फॉसिल है उस वो सबसे वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट क्या है, दैट इज वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट स्टोन्स, ठीक है, ये एक कॉस्टलीएस्ट स्टोन्स में गिना जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेफालोपोडा, फाइन। तो ये आपका सेफालोपोडा आ गया। नाउ सेफालोपोडा में आपका कौन कौन आ जाएंगे, ऑक्टोपस, स्क्विड एंड नॉटिलस, देख रहे हो, ये उसका स्क्विड का एनाटॉमी है, ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ आपको ढूंढ के दे रहा हूँ, बट फिर भी आप लोग नोट्स नहीं ले रहे हो, क्या किया जाए। आपके क्लास में एक ही बच्चे को दूंगा क्या ना इसको सर, जो अच्छा बच्चा होगा जो जिसको लाइक करेगा। चलिए तो देख रहे हो, तो ये नॉटिलस है, उसका कट सेक्शन है, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इंटरनल लुक लुक्स लाइक, एंड दिस इज योर ऑक्टोपस, ये उसके सकर्स हैं, देख रहे हो, एंड दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द स्क्विड, ठीक है, ये स्क्विड एनाटॉमी है, क्लियर। तो ये हमारा बहुत सारा फोटोग्राफ्स हो गए आपके लिए, ओके। तो इसीलिए सो मेनी फोटोग्राफ्स, और कुछ है क्या आपको देने लायक? चलिए और भी मैं बाद में ऐड कर दूंगा उसमें, ओके। चलिए अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। सो अब हम लोग चले जाएंगे किस में, जो हम लोग फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, जनरल पॉइंट्स, ये वाला में। तो इसमें आप क्या देख रहे हो बताइए, द यूनिक फीचर्स, यूनिक फीचर्स मतलब जो और किसी में नहीं मिलेगा, तो व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, ओके। इसको उधर ले आइए, माउस गड़बड़ कर रहा है। तो क्या क्या यूनिक फीचर्स है, तो बॉडी जो है हेड विसरल मास फुट है, ओके, उसके बाद मेंटल, और दिस माउस इज चीटिंग। वैसे चलो आप लोग का तो टाइम हो गया ना, फाइन, यस सर,
तो हम लोग आपका क्या करेंगे, माउस धोखा दे रहा है. सो लेट मी सेव द मीटिंग एंड एंड इट, है कि नहीं? नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ करेगा. चलिए तो आप लोग आज टेस्ट 3 बजे रेडी हो जाएंगे. ओके नाउ प्लीज राइट योर